और दर्शकों ये पन्नी है, सुबह 5:30 बजे बारिश हो रही है तो हम इस खरी को ढकने के लिए आए हैं। रोड किनारे का खेत है ये। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों आज मंडे है 22 नवंबर 2021 और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बूंदाबांदी चल रही है। सुबह 5:30 बजे से हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए हम अपने ये जो रोड साइड का खेत है इसमें धान का खरी है जो इकट्ठा किए हुए हैं तो इसे ढकने के लिए आए हुए हैं। और अपने पास एक त्रिपाल है तो इस त्रिपाल को अभी यहाँ ढकते हैं और ढकने के बाद यहाँ से घर की ओर जाएंगे। एक और धान की खरी सूखा तालाब के सामने था तो उसे ढक दिए हैं, तो अभी इसे ढकते हैं इस त्रिपाल से। चलिए यहाँ चढ़ना होगा। और दर्शकों त्रिपाल से हम इस खरी को ढक लिए हैं, अब इस पत्थर को ऊपर में डाल देते हैं ताकि ये जो त्रिपाल है वो ना उड़े। ठीक है, चलिए दर्शकों अब अपना काम हो गया है, अब यहाँ से घर की ओर चलते हैं। निकल अब ये बाइक में जा रहा है मेरा पड़ोसी और हम यहाँ से पैदल पैदल चलेंगे अपने बगीचे की तरफ। आज सुबह से ही हम दौड़ने के लिए आ रहे थे, 5 बजे निकले थे घर से लेकिन बारिश होने की वजह से मैं वापस चले गया और त्रिपाल लेके आया इन धान के खरी को ढकने के लिए। और दर्शकों आज इस बारिश की वजह से दौड़ने का माहौल थोड़ा ख़त्म हो गया, पर चलता है कभी कभी ऐसा माहौल ख़त्म होता है तो रेस्ट मिल जाता है, नहीं तो डेली दौड़ रहे हैं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आज रेस्ट हो गया, 1-2 हफ्ते से रेस्ट नहीं मिला था मेरे को। तो चलिए अब बगीचे की ओर चलेंगे थोड़ी देर में। और दर्शकों अभी हम अपने बगीचे आ चुके हैं और हर रोज़ की तरह आज फिर हम मौसम्बी तोड़ेंगे क्योंकि तो सुबह सुबह ताज़े ताज़े मौसम्बी हम खाते ही हैं। और ये देखिए सुबह का बारिश, तो चलिए अब इसे खाते खाते घर की ओर निकलते हैं। और दर्शकों ये देखिए आज ये मटर के पौधे किस तरीके से बड़े हो चुके हैं, ये देखिए। तो हर सुबह मैं आप लोग को ये मटर का पौधा दिखाऊंगा, है ना, ये देखिए ये वाला। तो ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं और इधर इसमें पूरा लाल भाजी लगा हुआ है, धीरे धीरे दिखने लगेगा आप लोग को। और ये लौकी और कद्दू के जो बेलें हैं उनको देख सकते हैं, कुछ दिन में और बड़े हो जाएंगे। और ये देखिए लाल भाजी अब दिखने लग गया ना, ये देख सकते हैं। और इधर हम जो एयर लेयरिंग किए थे ना उनमें अब जड़ें आ रही हैं वापस, मुझे नहीं लग रहा था कि इनमें जड़ें आ पाएंगी लेकिन
बीच बीच में बारिश हो रही है, जिसके चलते ये देखिए इसमें किस तरीके से जड़ आई हुई है, ये वाला ये है ना। तो इसे फिर से तोड़ के अंदर साइड लगाएंगे, जिधर हम लोग हमेशा पानी भेजते हैं बोर के पाइप से। अंदर में जो केला लगा है छोटा छोटा, उधर ही लगाएंगे लगभग 10-15 ठो लीची का पौधा। चलिए और दर्शकों, बारिश के बाद ये देखिए पानी की बूंदें किस तरीके से धान के फसलों में ठहरी हुई हैं, ये देखिए। और ये शांत भरा माहौल, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं।